अपने कबूतरों की अंडों की कैंडलिंग करनी है यार। आज ना मैं तुम लोगों की ना अंडों, मैंने तो इनके लिए रखे थे लेकिन ना इन लोगों ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया, तो फिर मैंने कहा यार तुम क्यों इतना शोर कर रहे होते हो, तुम मुझे बता दो, खाने का मसला है, पानी का मसला है, किस चीज़ का मसला है, मैं तुम्हें दे दूंगा। कुछ कुछ चीज़ की आवाज़ आ रही है, पता है किस चीज़ की? अब देखना, चुप देखना, अभी देखना, मैं तक खटकाऊंगा ना, चुप रही। मैं पता है वो एक छोटा सा कीड़ा होता है ना, ये वो है। नहीं नहीं, और ना अब जल्दी से ना मैं क्या करता हूँ, इसकी लाइट ऑन कर देता हूँ, उसके बाद अंडों की कैंडलिंग करते पता चल जाएगा यार कितने बच्चे कितने नहीं है। बच्चा बन रहा है और इसमें भी देखें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, न्यू वीडियो मुख शामदीद। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर लीजिएगा। और मैं अपने रैबिट्स के लिए ना थोड़े से ये आलू के छिलके लिया था, क्योंकि जो हमारे रैबिट्स हैं ना, ये आलू के छिलके, आम के छिलके और गाजर और केले, हाँ केले के छिलके, ये चार पाँच छिलके ना काफ़ी ज़्यादा शौक से खाते हैं। और आज वाली वीडियो में ना दोस्तों हमने क्या करना है कि हमने ना अपने कबूतरों की अंडों की कैंडलिंग करनी है यार। आज ना मैं तुम लोगों की ना अंडों की कैंडलिंग करने वाला हूँ, फिर मुझे पता चल जाएगा कि तुम लोग बच्चे दे रहे हो या नहीं दे रहे हैं, बिला अंडों पे बैठे हुए हो। अगर उनमें बच्चे बन रहे हो तो ठीक है, वन वो अंडे हम वेस्ट कर देंगे, तो फिर उसमें क्या होगा कि हमारे जो कबूतर हैं ना, ये फिर ना दोबारा अंडे दे देंगे, तो उनमें से ना शायद फिर बच्चे निकल आए। मुझे उम्मीद है कि दोस्तों ये वाले जिन्होंने अंडे दिए ना, इंशाल्लाह इनमें से ना बच्चे लाजमी निकलेंगे। अभी तो नहीं निकले इनके, अभी तो फिलहाल अंडे मेरे बाहर से ऐसे लग रहे हैं ना, मतलब कि शाइन शाइन से दे रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह इनमें बच्चे होंगे, लाजमी होंगे। वही दो बच्चे निकले हैं माशाल्लाह, दो, मतलब कि इसमें जो दो बच्चे बैठे हुए थे ना, 200 निकल आए पोत के। मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, या अब ये किसने नया लॉक यहाँ पर लगा दिया है। उसे मैंने आपको कहा था ना कि सेटअप पर कोई अपडेट नहीं है, लेकिन ये वाली नई अपडेट आई थी, देखें यहाँ पर इतना सख्त ये फंसा दिया ना, अब इसको मैं कैसे खोलूँ। चलो जी यहाँ से दिखा देता हूँ आपको मैं, यहाँ से दोस्तों देखिए, माशाल्लाह से एक बच्चा ये है और बकाया दो जो बच्चे हैं वो ये बैठे हुए हैं, मतलब कि ना तीन जो बच्चे थे ना माशाल्लाह से वो बाहर आ गए। समझा था शायद ये बड़ा है, लेकिन ये ऐसे वो कर रहे ना, मतलब कि एक है ही बच्चा और दो ये हैं, मतलब तीन बच्चे बाहर आ गए। और बकाया हम देखेंगे रात को ही कि कितने लोगों ने बच्चे दिए हैं, और रात को यह पता चलेगा। अब यार मैं तुम लोगों को तंग नहीं करता, रात को ही आऊँगा ना, तो फिर मैं तुम लोगों को देखूंगा कि तुम लोग कितने अंडे दे रहे हो, कितने बच्चे दे रहे हो, क्या तुम्हारी कंडीशन है, ठीक है ना। बकाया तुम लोगों का खाना पीना तो कंप्लीट है ना, दाना भी कंप्लीट है, पानी भी कंप्लीट है। दोस्तों जब से हमने तोते इस खाने में डाले हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा खुश रह रहे हैं यार, काफ़ी ज़्यादा। और जेली जिस साइड है ना, ये भरी भरी नज़र आ रही है, जेली साइड, जेली साइड खाली खाली नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर इतना कुछ है ही नहीं ना, इस वजह से। तो यार तुम लोगों ने बस ऐसे ही ना खाने में बुलाती रहना, लेकिन तुमने क्या करना है, अंडे नहीं देने। हाँ इनका दाना भी ख़त्म हो गया, इनका दाना भी डालना है यार। तुम लोग थोड़ा सा वेट करना ना, तुम लोग अभी हम कोई बंदोबस्त करते हैं, खरगोशों को हम देख लेते हैं। अरे हाय किधर हो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इनके जो कार्टून थे वो तो घूम गए, मैंने उठा लिए थे। दोस्तों मैंने इसलिए उठाए थे क्योंकि जब मैंने उनको इधर रख दिए थे सामने, तो हमारे जो रैबिट्स थे वो भी बाहर नहीं आ रहे थे, जो हमारी मुर्गियाँ थी वो भी काफ़ी ज़्यादा डर रही थी और काफ़ी ज़्यादा शोर मचा रही थी। तो फिर मैंने क्या किया ना, मैंने क्या कि यार कार्टूनों को हम यहाँ से उठा देते हैं, मैंने तो इनके लिए रखे थे लेकिन ना इन लोगों ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया, तो फिर मैंने कहा यार उठा ही लेता हूँ, ऐसे ना हो कि ये फिर बेचारे बाहर ही ना आए। अभी किधर है, अभी मतलब कि तीनों के तीनों इसी खाने में। वाह जी वाह, हाँ तुम लोग ये मटका लगाया, तुम लोग इधर मटके में जा रहे नहीं हो। और दोस्तों देखें कितने मज़े से बैठी हुई है, पाँव पे पाँव रख के, वाह क्या स्टाइल है यार तुम्हारा बैठने का, अजीब स्टाइल से बैठी हुई है। अरे दोस्तों कल छत की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी ना, मैंने सफाई की थी और रैबिट्स को रात को मैंने खोला था, लेकिन रैबिट्स ने क्या किया, फिर से अपना काम स्टार्ट कर दिया। ये देखें फिर से इन लोगों ने ना, जो इनका काम होता है, इनको जब मैं खोलता हूँ तो इनका एक ही काम होता है, बाहर आना और गंद करना, वही इन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो कोई मसला नहीं, जब ज़्यादा गंद हो जाएगा ना, तो फिर हम दोबारा सफाई वगैरह कर लेंगे। वह इधर ना, हमारे पास कोई चूज़े वगैरह नहीं है, ठीक है ना, आराम सुकून से यहाँ से जाओ। चलो शाबाश, शुक्र है कबूतरों को नहीं उठाते, वरना तो इन लोगों ने ना हमारे एक एक कबूतर उठा के ना सबका सत्यानाश किया होता। और अभी फिर भी हमारी छत पे है, दो दो आ गए, दो दो आ गए। चलो गेट आउट गेट आउट गेट आउट, यहाँ से निकलो, दफा हो शाबाश, क्योंकि हमारा जो चूज़ा था ब्लैक वाला, वो भी माशाल्लाह काफ़ी बड़ा हो गया। ये थे गर्मी ज़्यादा थी, तो मैंने क्या किया ना, इनको बंद ही कर दिया, मैंने कहा इधर बाहर घूमते रहेंगे तो ऐसे ना कि बीमार ना हो जाए, इनको हम नीचे कर लेते हैं, बस नीचे हो जाओ, नीचे हो जाओ, सिम 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 नीचे हो जाओ। चलो जी बेस्ट हो गया, क्योंकि पहले गर्मी थी, देखिए इतनी ज़्यादा गर्मी होगी ना, देखिए हमारी जो मुर्गियाँ ना, इन लोगों ने मुँह खोला हुआ है गर्मी की वजह से। हालाँकि ये वाला जो मौसम है ना, ये वाला मौसम सर्दियों में शुमार होता है, लेकिन नहीं, मुर्गी का हालात चेक कर ले और मेरी भी हालत चेक कर ले, मैं आया हूँ और अपने पसीने से भर चुका हूँ इस टाइम। मुझे अपने मुर्गियों से ना अपनी एक वाइट मुर्गी कम नज़र आ रही है, देखिए दोनों मुर्गियाँ ये हैं, हमारा वाइट वाला मुर्गा ये है और चूज़ा हुआ है, और हमारी वाइट वाली मुर्गी की ये बैठी हुई है।
हाँ 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 मतलब कुड़ू ख़त्म हो गया है, मैंने जैसे इसे डराया ना, अगर कुड़ू को दिया ना तो ये कूँ कूँ की आवाज़ें निकाल दी होती है, लेकिन अब जब इसे मैंने डराया ना देखिए डर के बाहर आ गया। मतलब ये कि हमारी ये वाली जो मुर्गी थी इसका भी कुड़ू ख़त्म हो गया, इनका पानी देखिए गंदा हो गया, अभी तक इनका पानी मैंने चेंज नहीं किया, शाम को करूँगा आपको मैंने पिछली वीडियो में कहा था, क्योंकि इनका पानी शाम को चेंज किया, अगर हमने अभी चेंज किया तो धूप देखिए कितनी सख्त है, इनका पानी फिर गर्म हो जाएगा, फिर फ़ायदा ही नहीं है ना, और बस शाम को इनका पानी चेंज होगा। इधर आएँगे और यहाँ पर आके ना टैंकी के साथ ना टेक लगाए बैठ जाएंगे, काफ़ी ठंडी है ये, मैं भी कुछ रख क्यों आके बैठते हैं, अब जब मैंने इधर हाथ लगाया ना तो यार काफ़ी ठंडी थी ये टैंकी, तो चलो यार इनका आलू किधर रखा हुआ था, आलू मैंने आलू उनका ये पड़े हैं आलू, आलू के छिलके डाल देते हैं, जब उनका दिल किया आ जाएंगे खा लेंगे, हम तो नीचे जाते हैं भाई, आ जाओ। इनका नाम ही मैं भूल गया हूँ, इससे भिगे के हम रख देते हैं ना, जब उनका दिल करेगा ना आके ना आराम से कुछ उनको खुशबू आएगी तो वो खुद ब खुद आ जाएंगे। इनका नाम मैं बोल गया हूँ यार, क्या था इनका नाम, रैबिट्स क्या कह के ना इनका जो नाम मैंने रखा था ना वो मेरी ज़ुबान से गुम हो गया, इनका नाम क्या था यार, याद आ गया, इनका नाम था चिंकू मिंकू, इतनी ज़ोर ज़ोर की चीखें मारती, कड़ों अकड़ों 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 करी थी, घर वाले कहते हैं कि ये देखो, मैंने कहा यार कोई बात नहीं खैर छत पे ही है ना, मतलब शोर इतना ज़्यादा करते हैं ना कि यहाँ से आवाज़ नीचे जाती है, और फिर मेरे घर वाले कहते हैं फ़ौरन से पहले इन्हें ख़त्म करो, बस तुमने ना इन्हें नहीं रखना है। तो मैंने आपको बताया था ना कि जो हमारा मुर्गा है वो इतना ज़्यादा शोर करता, अब मैं नीचे था और उसने इतना ज़्यादा शोर किया, और देखिए मैं नंगे पाऊँ बागता ऊपर हूँ, मैंने कहा जाकर देखता हूँ कि हमारे ना मुर्गे को क्या हुआ है, ये सुने 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 ये की आवाज़ें सुन रहे हैं आप, यार तुम्हें क्या मसला है, क्या मसला है यार, मैं नीचे बैठा हुआ था तुमने मेरी ना नींद ख़राब की और इतना ज़्यादा शोर करते, हाँ बताओ क्या मसला है। अब देखिए जैसे ही मैं ऊपर आया हूँ बिल्कुल खामोश हो गया है, नीचे जब था टा 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 मेरी भी नींद ख़राब की, घर में सब की नींद ख़राब की, यार बताओ अब क्या क्या मसला है तुम्हें, हाँ क्या मसला है, मेरा जो ख्याल है ना कि पता नहीं यार ऐसा शोर ये क्यों कर रहा हो, मेरी इसकी समझ नहीं आ रही यार, वो इतना छत इतनी गर्म है ना, वो यार तुम क्यों इतना शोर कर रहे होते हो, तुम मुझे बता दो, खाने का मसला है, पानी का मसला है, किस चीज़ का मसला है, मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन ऐसे शोर तो ना करो ना भी यार, ये देखिए सारे ना इर्द गिर्द सारे सो रहे होते हो, और इसकी शोर की वजह से, इसकी इतनी तेज़ आवाज़ है ना, इसकी शोर की आवाज़ से ना सब जाग जाते हैं, बस अभी ऊपर आऊँ तो मैं ऐसा करता हूँ वैसे ही ना हम अपने फाख्तों का ना दाना वाला डाल देते हैं, क्योंकि मैंने सोचा था कि ना हम अपने फाख्तों का दाना वाला ना शाम को देंगे, लेकिन चले अभी डाल देता हूँ यार, ये लो आ जाओ, चलो तो थोड़ा अंदर भी फेंक देता हूँ, आ जाओ नीचे जा रहा हूँ ना, तुमने ये ली हरकतें नहीं करनी, ठीक है ना, बिल्कुल इंसान के बच्चे बनो और चुप होके बैठे रहो, ठीक है। तो उस टाइम हो चुकी है रात और अब मैं ऊपर आया हूँ, मैंने कहा हमने ना अपने अंडों की कैंड नहीं करनी थी, और जो तोतों को जो देखना था ना वो भी देख लेंगे, और अपने अंडों की कैंड नहीं भर लेंगे, तो हमें पता चल जाए कि बच्चे बन रहे या नहीं बन रहे, तो आओ यार मोहम्मद जल्दी से अंदर आओ, ये ला दरवाज़ा बंद कर देना, ऐसे ना कि तोते रात को भी ना उड़ जाएँ, किस किस आवाज़ किस चीज़ की है, हाँ मोहम्मद ये यार जिनबूत हुआ कोई नहीं, किच 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 की आवाज़ आ रही है, पता किस चीज़ की, अब देखना चुप हो जाएगी, देखना भी देखना मैं इस तक खटकाऊंगा ना, चुप हो जाएगी, तो मैं पता है वो एक छोटा सा कीड़ा होता है ना, ये वो है नहीं, नहीं, और नहीं। ना अब जल्दी से ना मैं क्या करता हूँ इसकी लाइट ऑन कर लेता हूँ, उसके बाद अंडों की कैंडली करते पता चल जाएगा यार कितने बच्चे हैं कितने नहीं हैं, तो सबसे पहले इसकी कर लेते हैं, ये देखिए जी माशाल्लाह इसमें भी बच्चा बन रहा है और इसमें भी देखें बन रहा है, दो जो हमारी फीमेल है ना दोनों के बच्चे बन रहे हैं, चार आ गया मोहम्मद आ गया भी बन रहा है, और हुई ये देखो अंडा टूट रहा है, ये देखो मतलब इसमें से बच्चा निकलने वाला है, हाँ मोहम्मद ओए मतलब दोस्तों देखिए ये वाला जो अंडा है ये टूट रहा है, मतलब कल तक ना इसमें से बच्चा निकल जाएगा, ये बच्चे जल्दी निकालेंगे, ये तो इतना जोर जोर का मार रही है, देखें इन दोनों में बन रहे हैं, लेकिन अब इनमें ना थोड़ा सा भी लेट है, मोहम्मद अब तुम ये मोबाइल पकड़ो, मैं अब जाता हूँ तोड़ता हूँ घर में ना, तो देखता हूँ कि उनकी क्या कंडीशन है, नट खोलो ना, नीचे से पकड़ो मैं ऊपर से खोलो, नहीं ये लो नहीं खोलना ना, पागल तो नहीं हो, ये वाला तो नहीं खोला हमने छोटे, इस खाने में मैं जा सकता हूँ क्या यार, तुम्हारा भी दिमाग काम नहीं कर रहा, मेरा भी दिमाग नहीं काम कर रहा, इसमें से मैं किधर जा सकता हूँ, ये वाला खोलना है बड़े वाला यार, ये नेट कौन लगा देते, नेट खोल रहे नहीं अब मेरे से, इसने अभी फिलहाल एक अंडा दिया हुआ है, इसने अभी तक अंडे दिए, इसने अभी तक बच्चे निकाले ही नहीं, मतलब इसके अंडे ख़राब हो गए, माशाल्लाह से दोस्तों इनके जो दो बच्चे थे ना दोनों को दोनों फुल वाइट निकले, माँ पीली थी और बच्चे पता नहीं क्यों निकले वाइट, चलो यार अब बाहर निकलते, इनको तंग वगैरह नहीं करते, और ये थे किसी ने अपना अंडा इधर फेंके हुए,
यार ये अपने अंडे इतने खराब करते ना तो मेरे काफी ज्यादा गुस्सा चढ़ता है। हमारी फिंचेस कहाँ पर बैठी हुई है कि दोनों एक साथ ही उई उई मतलब इधर इस कोने में लोगों ने अपना घोंसला बनाया हुआ है। मुझे अब समझ आई है इस कोने पे लोगों ने घोंसला बनाया और यहाँ पर ये दोनों बैठे हुए थे मजे से। के गांव से लोगों ने अपना सारा इस कोने में जमा किया। मोहम्मद इन लोगों ने बच्चे दिए होंगे नहीं दिए होंगे मुश्किल है लग रहा कुछ क्या हो गया क्या हो गया नहीं दिए बच्चे बिल्कुल भी। आज हम ना दरवाज़ा बंद कर देते हैं यार आज मेरा दिल कह रहा है कि हम ना दरवाज़ा बंद कर दें। मोहम्मद इस सामने उठा दो इधर वो उठा के। चलें दोस्तों ये थी आज की वीडियो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चलें यार वो चांद भी देखें सामने आया हुआ है वाह जी वाह एक चांद ये एक चांद वो।